एंड कौन कौन से राइटर्स हैं कैंपस फिक्शन के, कौन कौन से कैंपस फिक्शन नॉवेल्स हैं उनको भी स्टडी कर लेते हैं। सो व्हाट आर दी सब्जेक्ट्स ऑफ कैंपस फिक्शन? सो दे आर रिलेटेड टू कॉलेज गोअर्स, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते थे उनसे रिलेटेड होते थे ये सब्जेक्ट्स, वो इंक्लूड किए जाते थे एज कैरेक्टर्स। और क्या एलिमेंट्स होते थे, क्या सब्जेक्ट्स होते थे? सो देर वर हॉस्टल ह्यूमर, बैड फूड, निक नेम्स, डिप्रेशन, कॉलेज रोमांस, फ्रेंडशिप एंड इंट्रिक्स। तो ये सभी एलिमेंट्स थे जो कॉमन सॉरी जो कैंपस फिक्शन में इंक्लूड किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये कैंपस फिक्शन राइटिंग स्टार्टिंग कब से हुई थी, कैंपस फिक्शन कब से राइट किया जाने लगा? सो दिस ट्रेंड, कैंपस फिक्शन का जो ट्रेंड था, दैट स्टार्टेड विथ चेतन भगत। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा बी एन एम इंग्लिश लिटरेचर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द कैंपस फिक्शन। कैंपस फिक्शन क्या है आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। यू कैन सी हेयर, दिस इज गिवन इन यूनिट 3, ट्रेंड्स इन 20th and 21st century फिक्शन। इसमें आज हमें स्टडी करना है कैंपस फिक्शन के बारे में। एंड दिस इज़ योर पेपर इन ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन, एंड दिस इज़ फॉर बी पार्ट 3, सेमेस्टर 5th। एंड दिस इज़ फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी, जितने भी यूपी में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक VBSPU, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, MGKVP, CCSU, JCU, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ के किसी भी कॉलेज से आप स्टडी कर रहे हैं तो सभी के लिए कॉमन सिलेबस है एज यू ऑल नो, तो सभी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। एंड यस, यूनिट 1st, यूनिट 2nd हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एंड यूनिट 3rd में हमने बहुत सारा नॉवेल्स का टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है BA 5th सेमेस्टर ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन, तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पर आपको सीरियल से मिल जाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम आज का वीडियो। आज हमें स्टडी करना है आज की वीडियो क्लास में हमें कैंपस फिक्शन के बारे में। कैंपस फिक्शन क्या है? सो कैंपस फिक्शन, दिस इज़ चीफली एन इंडियन ट्रेंड ऑफ राइटिंग नॉवेल्स। ये मेनली इंडियन ट्रेंड है ऑफ राइटिंग नॉवेल्स, एंड दिस हैज़ पॉपुलराइज्ड इन रिसेंट ईयर्स। कैंपस फिक्शन, जैसे आप नेम से ही समझ पा रहे होंगे, कैंपस फिक्शन ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को इसमें मेंशन किया जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉवल है ये। एंड नेक्स्ट पॉइंट, दीज बुक्स प्रेजेंट द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी कैंपस। जैसा बताया मैंने आप लोगों को, यूनिवर्सिटी कैंपस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लाइफ के बारे में इस बुक में प्रेजेंट किया गया होता है। जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं, बिग बिग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कैसी लाइफ होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में नॉवेल्स में मेंशन किया गया होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ एक्शन? सो व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ एक्शन? IIT और अदर बिग यूनिवर्सिटीज़, जैसे IIT वगैरह हो गई, या अदर बिग यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि JNU वगैरह हो गया, BHU वगैरह, तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की लाइफ के बारे में इसमें मेंशन किया गया होता है। एंड इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं कैंपस फिक्शन में? तो कैंपस फिक्शन के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें कोई हीरो वगैरह नहीं होते हैं। जो कैंपस फिक्शन का जो नॉवल होता है उसमें कोई हीरो वगैरह नहीं होते हैं, बल्कि उस यूनिवर्सिटीज़ के यंगस्टर्स होते हैं। दे आर यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। जो भी उस यूनिवर्सिटीज़ में, उस कॉलेज में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, बॉयज़ गर्ल्स होते हैं, यंग बॉयज़ गर्ल्स, उन्हीं की स्टोरी होती है, वही इसमें कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, और जो सेटिंग होती है वो होती है यूनिवर्सिटी। क्या जेनरा होता है, किस जेनरा पे ये राइट किया जाता है? सो इसका जो जेनरा होता है कॉमिक होता है, या सटायरिकल, कॉमिक वे में इसको लिखा गया होता है। एंड जो इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, दे बिलोंग्स टू मिडिल क्लास सोसाइटी, और ये ज़्यादातर मिडिल क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जो भी स्टूडेंट्स होते हैं। एंड दे एक्सप्लोर्स लिमिटेड वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज़। दिस मीन्स कि उस यूनिवर्सिटीज़ के वर्ल्ड को ही इसमें एक्सप्लोर किया गया होता है। एंड व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द पर्पस एंड व्हाट इज़ द फंक्शन, क्या पर्पस है, क्या फंक्शन होता है कैंपस फिक्शन का? सो देयर चीफ फंक्शन इज़ टू हाईलाइट द फॉलीज एंड वीकनेसेस ऑफ एकेडमिक लाइफ। तो जो भी एकेडमिक लाइफ की जो वीकनेसेस हैं या जो भी फॉलीज हैं उनको हाईलाइट करना ही मेन पर्पस होता है, चीफ फंक्शन होता है इस प्रकार के नॉवेल्स का। और कॉमिक वे में राइट की गई होती हैं, कॉमिकल होती हैं, सटायरिकल होती हैं, तो रीडर्स के लिए रीड करने में इंटरेस्टिंग होती हैं। और पिछले कुछ सालों से, रिसेंट ईयर्स में, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हुई है कैंपस फिक्शन। इसको बहुत ज़्यादा रीडर्स पसंद करते हैं, पढ़ते हैं। एंड व्हाट आर दी सब्जेक्ट्स ऑफ कैंपस फिक्शन? कैंपस फिक्शन के क्या सब्जेक्ट्स थे, क्या एलिमेंट्स थे,
एंड कौन कौन से राइटर्स हैं कैंपस फिक्शन के और कौन कौन से कैंपस फिक्शन नॉवेल्स हैं उनको भी स्टडी कर लेते हैं. सो व्हाट आर दी सब्जेक्ट्स ऑफ कैंपस फिक्शन? सो दे आर रिलेटेड टू कॉलेज गोअर्स, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते थे उनसे रिलेटेड होते थे ये सब्जेक्ट्स. वो इंक्लूड किए जाते थे एज कैरेक्टर्स. और क्या एलिमेंट्स होते थे, क्या सब्जेक्ट्स होते थे? सो देर वर हॉस्टल ह्यूमर, बैड फूड, निक नेम्स, डिप्रेशन, कॉलेज रोमांस, फ्रेंडशिप एंड इंट्रिक्स. तो ये सभी एलिमेंट्स थे जो कॉमन सॉरी जो कैंपस फिक्शन में इंक्लूड किए जाते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये कैंपस फिक्शन राइटिंग स्टार्टिंग कब से हुई थी, कैंपस फिक्शन कब से राइट किया जाने लगा? सो दिस ट्रेंड, कैंपस फिक्शन का जो ट्रेंड था, दैट स्टार्टेड विथ चेतन भगत्स नॉवेल 5.someone. चेतन भगत ने नॉवल राइट किया है 5.someone, उनसे ये ट्रेंड स्टार्टिंग हुआ कैंपस फिक्शन राइटिंग का. एंड दिस वॉज बेस्ट सेलर, 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड वर्ल्ड वाइड. और इसके बाद इंडियन पब्लिशिंग हाउस में रिवॉल्यूशन आ गया. एंड दिस स्टोरी इज़, क्या इसमें स्टोरी है इस नॉवल में 5.someone में? सो द स्टोरी अबाउट थ्री बेस्ट फ्रेंड्स एट IIT इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में IIT में थ्री बेस्ट फ्रेंड्स की स्टोरी है. एंड चेतन भगत के अलावा भी कुछ और राइटर्स हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करते हैं. लाइक अभिजीत भादुड़ी. अभिजीत भादुड़ी ही रोट मेडिकेयर बट एरोगेंट, इनका नॉवल है. एंड दिस नॉवल डील्स विद द लाइफ इन द मैनेजमेंट ऑफ जमशेदपुर. एंड द नेक्स्ट राइटर इज अमिताभ बागची, ही रोट अबव एवरेज एंड दिस प्रेजेंट द जर्नी ऑफ अरिंदम चटर्जी, मिडिल क्लास दिल्ली बॉय टू IIT दिल्ली. अमिताभ बागची का जो नॉवल है अबव एवरेज, ये एक दिल्ली बॉय की स्टोरी है, मिडिल क्लास दिल्ली बॉय जो IIT में पहुंचता है. और इसके अलावा भी कुछ और 2-3 राइटर्स हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. यू कैन सी सोमादास. सोमादास रोड समथिंग ऑफ ए मॉक टेल एंड दिस बुक टेल्स अबाउट JNU पॉलिटिक्स एंड कल्चर. और ये बुक JNU से रिलेटेड है, JNU कैंपस जो कि न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में है. एंड इसमें JNU पॉलिटिक्स और कल्चर के बारे में मेंशन किया गया है, जैसे कि उस टाइम की जीन्स, छोला कल्चर, कुर्ता कल्चर, इन सब सारी चीज़ें इसमें रिलेटेड है, इसमें इंक्लूडेड है समथिंग ऑफ ए मॉकटेल. सोमादास ने इसको राइट करा है और सोमादास खुद भी JNU की स्टूडेंट रह चुकी थी. एंड नेक्स्ट इज श्री विद्या नटराजन, ही रोट नो ओनियंस नॉर गार्लिक. एंड इन्होंने राइट करा है नॉवल कैंपस फिक्शन नो ओनियंस नॉर गार्लिक. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ इन चेन्नई कैंपस. ये जो नॉवल है, दिस नॉवल नो ओनियंस नॉर गार्लिक, ये चेन्नई कैंपस की लाइफ से रिलेटेड स्टोरी है. एंड नेक्स्ट वन इज सुदीप चक्रवर्ती. सुदीप चक्रवर्ती ही रोट टिन फिश. टिन फिश ये नॉवल है और ये रिलेटेड है मायो कॉलेज बोर्डिंग स्कूल इन राजस्थान से. एंड इन सब के अलावा भी ऐसे बहुत सारे कैंपस फिक्शन नॉवेल्स हैं और नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने कैंपस फिक्शन राइट करे हैं. तो आज की वीडियो में हमने कैंपस फिक्शन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस कर लिया है, स्टडी किया है, जो कि आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपकी स्टडी में ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो लाइक करिएगा वीडियो को. एंड यस, शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट्स ऑल्सो. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पेस फिक्शन को स्टडी करेंगे. सो मेक श्योर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, टाइम टू टाइम आप कोई वीडियो मिस ना करें. एंड नाउ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. गॉड ब्लेस यू.